मॉर्निंग गाइस, सॉरी फॉर डिले। व्लॉग्स में बहुत देर हो रही है, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मेरे चीकू को नहलाने जा रही हूँ, और नहलाने से पहले मैं उसके गम्स भी क्लीन करती हूँ। गम्स क्लीन करने के लिए आप जो सिलिकॉन ब्रश आता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ की जो वॉश क्लॉथ होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फिंगर ब्रश आते हैं, इसे यूज़ करना बेहद आसान होता है, लेकिन मैं इसका यूज़ करूँगी 4 मंथ्स के बाद। अभी इट्स टू अर्ली टू यूज़ आई गेस, तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ क्लॉथ का, जो कि वॉश के लिए आता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। इस क्लॉथ को मैं गीला करती हूँ पानी की हेल्प से, फिंगर पर लपेटती हूँ, और बेबी के जो गम्स हैं उन्हें क्लीन कर लेती हूँ। पानी मैं साफ़ यूज़ करती हूँ, जो RO वाटर होता है उसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और फिर उसमें डिप करके इस हैंकी को, इस नैपकिन को मैं यूज़ करती हूँ, और अच्छे से बेबी का जो माउथ है, अंदर साइड से गम्स हैं, उसे क्लीन कर देती हूँ। शुरुआत के टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बेबी की टंग होती है ना, वो डार्क हो जाती है, मतलब पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है, और मिल्क की वजह से बेबी के जो गम्स हैं, टंग है, वो काफ़ी ग्रीजी हो जाती है, और बहुत दिक्कत होती है बेबीज़ को भी फिर मिल्क वगैरह लेने में, और हाइजीन भी नहीं रहता है। ये प्रोसेस करने के बाद में मैं बेबी को फिर नहलाना शुरू करती हूँ। मैं बकेट के पानी से भी नहलाती हूँ बेबी को, हैंड शावर के पानी से भी नहलाती हूँ, और डायरेक्ट जो टैप वाटर आता है बेसिन में उससे भी नहलाती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि बेबी को मैं किस किस तरीके से कैसे नहलाती हूँ। तो न्यू बॉर्न बेबी बाथ का एक सेपरेट डिटेल वीडियो मैं बाद में भी शेयर कर दूँगी। तो आप जब भी बेबी को नहलाएं, न्यू बॉर्न बेबीज़ को नहलाएं, तो पानी को आपको कुनकुना रखना, ना ठंडा रखना है ना गर्म रखना है, कुनकुना रखना है। अपने हाथ पे डाल करके चेक कर लीजिए कि पानी सही से गर्म हो और कुनकुना हो, सहने लायक हो, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। आप गर्म पानी अगर डाल देंगे ना, तो उनको बहुत रिटेशन होने लग जाएगी। आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड सोप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोप यूज़ कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं सोप यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड भी मैंने लिया था, यानी कि बेबी बॉडी वॉश भी लिया था, लेकिन मैं अभी उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। डिफरेंट रीज़न है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस है, मैं 4 मंथ से स्टार्ट करूँगी लिक्विड यूज़ करना। अच्छा, ये बेबी बैथर मैंने लिया है बेबी हग से, फर्स्ट प्राइस से परचेज किया था। इसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर करना। बहुत ड्राई थे, और इसके लिए मैं देसी घी लगा रही थी बेली बटन पे बेबी की। इसके बाद जब बेबी 2 मंथ्स की हो गई, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये लिप बाम यूज़ करना, और देखते हैं कि अब इसे यूज़ करने के बाद में बेबी के लिप्स में क्या चेंजेस आते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ सो गुड। बड़े अच्छे रिव्यू थे, डॉक्टर रिकमेंडेड भी है ये वाला जो लिप बाम है, और बेबीज़ के लिए सेफ है, तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। आज बड़े दिन बाद हमारा बाहर जाने का प्लान हो रहा है। मेरा तो ब्रंच करने का मन था, और फिर उसके बाद मुझे सलोन जाना है, और इतने दिन से मैंने कुछ भी अपने ऊपर टाइम स्पेंड नहीं किया ग्रूमिंग पे, तो आज जाऊंगी। फिलहाल देखो, यहाँ पर मेरे बच्चे सो गए हैं और इनको उठाना है, उठाएंगे फिर रेडी होंगे। रेडी क्या होना, ये दो रेडी ही हैं, मुझे रेडी होना है। ये देखो, अभी आप इस रूम की पूरी हालत देख सकते हो। हम लोग उस रूम से इस रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेटल करना पड़ेगा सारा कुछ, और जब ये पूरा सेटल हो जाएगा ना अच्छे से, देन मैं आपको कराऊंगी अपना रूम टूर। मतलब कि चिकू का जो नर्सरी हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, साइड में बेड साइड नर्सरी बना रहे हैं, सब दिखाएंगे। अभी ये देखने लायक नहीं है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। बकेट पे कपड़े हैं, अभी इनको फहराना है, लेकिन यहाँ के कपड़े नहीं सूखे हैं। और ये तो देखो आप, ढोरी पे कपड़े। ओह गॉड, ओह माय
बटर मसाला डोसा क्या इडली लंच करने के बाद हम आ गए हैं लैक्मे सैलून मी टाइम के लिए और मैं और अनिका यहाँ मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सफल और चिकू गए घर। यू आर सो स्केयर्ड। वैसे तो मैं अक्सर ही पेडिक्योर करवाती थी लेकिन आज पेडिक्योर कराने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्मों से पैरों में थकान थी जो आज चली गई। सीरियसली यार, प्रेगनेंसी का तो नहीं पता लेकिन डिलीवरी के बाद जब आप जाने लायक हो जाओ बाहर तो सेल्फ केयर सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज़रूरी है। पेडिक्योर के बाद मैंने सफल को भी बुलवा लिया था सैलून में क्योंकि बहुत देर हो गया था। चीकू को फीड भी चाहिए था और सफल का भी हेयर कलर वगैरह था तो सब करने के लिए अभी बहुत टाइम था। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं क्या छोटी छोटी चीज़ के लिए सैलून पहुंच जाना, इतना खर्चा होता है। और मुझे ऐसा लगता है यही छोटी छोटी चीज़ों का जो खर्चा है ना ये आपको सर दर्द नहीं देता, सुकून देता है। देखो यहाँ आना था हमको। अब जब से चीकू हुई है हमने प्लान किया है कि एवरी मंथ लाइक 12 मंथ तक हम चीकू के पैर का जो फुटप्रिंट है इम्प्रेशन है वो लेंगे। और इसके लिए हमने ये ऑर्डर किया है बेबी के फुटप्रिंट के लिए ये इम्प्रेशन शीट है जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ये मैंने काफ़ी पहले भी मंगाई थी लेकिन बाई मिस्टेक वो कहाँ डिलीवर हो गई, मुझे तो रिसीव नहीं हुई लेकिन फिर इसलिए वो मिस हो गया था तो तब से मैं यही मंगवा रही हूँ। फर्स्ट तो हमने लिपस्टिक से प्रिंट लिया था तो वो एक डिफरेंट ही स्टोरी थी लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। इस पर आपको बस ऐसे पैर रखना है और पेपर पर पूरा इम्प्रेशन आ जाता है बेबी के पैर का या हाथ का जो इम्प्रेशन आप लेना चाहते हो। ये देखो इस तरह के बॉक्स में ये रिसीव होता है और इसका जो पॉसिबल परचेज लिंक होगा मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो। 300-400 रुपये का आता, ज़्यादा महंगा नहीं आता बट ये बहुत अच्छा है। अब घर लौटने के बाद भाई घर के भी काम थे, बकेट भर के कपड़े थे, दिखाया था ना आपको, इन सब को फैलाना था सुखाना था। तो बाहर तो पूरा जो रैक है वो फुल हो चुका है तो ये अंदर का रैक है स्टील वाला, इस पर मैं चीकू के कपड़े फैलाती हूँ। और ये घर के अंदर मतलब रूम के अंदर ही इसे हम ड्राई करेंगे अभी फ़ैन के नीचे। और बाकी सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि बेबी है तो उसकी चीज़ें फैली हुई हैं यहाँ वहाँ हर जगह। टाइम लगेगा यार सब कुछ सेट करने में, अभी अभी बस मैं काम में लगी हूँ, अब यही काम करना है। देखो कैसे देख रही है, शी इज ट्राइंग टू रिकग्नाइज यू शी ओके। अरे आज है मंडे, कल है ट्यूसडे, आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है क्योंकि कल है तीज। आज तैयारियां भी करनी है, मेहंदी भी लगाई है और बहुत सारा काम है। फिलहाल यहाँ पर अनिका मेहंदी लगवा रही है और ये हमारी मेहंदी आर्टिस्ट बहुत गजब की मेहंदी लगाती हैं और नागपुर में काफ़ी अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट मुझे मिली हैं। देखो मेहंदी कितनी प्यारी, इस बार मैं बहुत हल्की सी मेहंदी लगवा रही हूँ, कोई फिगर या फिर कोई मेन डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सी है बट ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना। ऐसे